चलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेसन 5, लाल बहादुर शास्त्री। इसकी फोटो है ये बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री जी की। बच्चों, आपके विद्यालय में 2 अक्टूबर को 2 महान विभूतियों का जन्मदिन मनाया जाता है, एक मोहनदास करमचंद गांधी और दूसरे जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 ईस्वी को मुगल सराय, तत्कालीन वाराणसी वर्तमान चंदौली के साधारण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम शारदा प्रसाद तथा माता का नाम राम दुलारी देवी था। मात्र 1.5 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत हो जाने के कारण अनेक अभावों और कठिनाइयों को झेलते हुए वे जीवन पथ पर आगे बढ़े। वे स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री बने। चलो बच्चों, अच्छा बताओ आप मुझे कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब हुआ था, जल्दी से बताओ। अच्छा दूसरा क्वेश्चन सुनो बच्चों, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन बने, जल्दी से नाम बताओ। इसके बाद उद्योग मंत्री तथा स्वराष्ट्रीय मंत्री भी बने। जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद ये सर्वसम्मति से भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भी बने। अच्छा ये बताओ बच्चों, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन बने थे, जल्दी बताओ। देशवासियों के स्वाभिमान को जगाने वाले महान लोकप्रिय नेता लाल बहादुर शास्त्री का निधन 10 जनवरी 1966 को ताशकंद रूस में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री जी का व्यक्तित्व बहुत ही व्यावहारिक एवं संतुलित था। अच्छा बच्चों बताओ, लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन यानी कि मृत्यु कब हुई थी, जल्दी बोलो। वे जो कहते थे उसे पहले सुन करते थे, इसका उल्लेख उनके जीवन की कई घटनाओं में मिलता है। आइए उनमें से कुछ प्रसंगों के बारे में जानें। अच्छा बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और अपनी अगली वीडियो में मैं आपको यहाँ से आगे का भाग पढ़ाऊंगी। ठीक है बच्चों, बाय।